क्या आपने कभी सिंगाड़ी का हलवा खाया है, शाकाहार में या वैसे? सिंगाड़ी का हलवा कैसे भी खा सकते हैं? शाकाहार में ज्यादातर लोग शाकाहार में खाते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आज मैं आपको यही रेसिपी बताने वाली हूँ। तो आइए बनाते हैं सिंगाड़ी का हलवा। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको सिंगाड़े का हलवा बनाना बताऊंगी। ये सिंगाड़े हैं जो बाजार में हरे आते हैं, वो सूखे सिंगाड़े हैं ये। इसके लिए चाहिए आपको 200 ग्राम सिंगाड़े, 200 ग्राम शक्कर और करीब 100 ग्राम घी। तो पहले मैं इनको सिंगाड़ियों का पाउडर बना लूंगी, फिर इनको घी में सेकूंगी। फिर घी में सेक कर फिर इसमें पानी डालूंगी, फिर शक्कर डालूंगी। तो अभी पहले मैं इसका पाउडर बना लेती हूँ। हमने सिंगाड़े का पाउडर बना लिया है। अब मैं एक कढ़ाई में घी डालूंगी। ये मैंने एक कढ़ाई में घी डाल दिया है। 100 ग्राम घी है, 200 ग्राम सिंगाड़ा लिया है मैंने। लो फ्लेम पे मैं अब इसको पाउडर को डाल दूंगी और लो फ्लेम पे इसको सेकूंगी। इसको सुनहरा होने तक मैं सेकूंगी। सिंगाड़े का आटा हमारा भुन गया है। अब इसमें मैं 400 ग्राम करीब पानी कर दूंगी। करीब 400 ग्राम पानी है ये, और गैस फुल कर दूंगी। अब फुल गैस में मैं इसको पानी सूखने तक पकाऊंगी। पानी हमारा सूख गया है। अब मैं इसमें 200 ग्राम शक्कर डालूंगी। शक्कर बराबर की डलती है, घी आधा डलता है और पानी 4 गुना डलता है। पानी 2 गुना डलता है, शक्कर बराबर की डलती है और घी आधा डलता है। मैं इसमें 200 ग्राम शक्कर डाल दूंगी। पांच मिनट और चला लूंगी। हमारा सिंगाड़े का हलवा बनकर तैयार हो गया है। देखिए, अब मैं इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल दूंगी। और इसको चला लूंगी। हमारा हलवा बनकर तैयार है। अब इसको लोहे की कढ़ाई में से तुरंत निकाल लेना है, नहीं तो ये काला हो जाता है। इसमें आयरन बहुत होता है। इसके औषधीय गुण भी हैं। अगर किसी को ज्यादा बाथरूम आती हो तो इससे उसमें इसको खाने से फायदा पड़ जाता है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार जरूर बनाएं।